अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल बेसन के दही बड़े। तो बेसन के दही बड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। पानी हमें चाहिए हसबे ज़रूरत, 1 कप हमें बेसन चाहिए, आयल हमें चाहिए फ्राइंग के लिए, ज़ीरा पिसा हुआ चाहिए 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, नमक हमें चाहिए 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ें हम बैटर तैयार करने में इस्तेमाल करेंगे। पानी हम हंसते ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। दही हमें चाहिए 500 ग्राम, उबले हुए चने हमें चाहिए 1 कप, उबले हुए आलू हमें चाहिए 1 कप, आइसबर्ग सलाद हमें चाहिए 1 कप, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए स्लाइस में कटे हुए, 1 लार्ज साइज़ का हमें टमाटर चाहिए चॉप्ड किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें चाहिए गुलाई में कटी हुई, 4 टेबलस्पून हमें इमली की चटनी चाहिए, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, 4 टेबलस्पून होममेड सेव चाहिए, मैं बारीक वाली सेव यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे होममेड है। ये सारे मसाले हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, नमक, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा, चीनी हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमें लेमन जूस चाहिए, कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, नमक हमें चाहिए 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमें चाट मसाला चाहिए और 1 टीस्पून हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और उसमें मैं नमक 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, ये सब डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी और नॉर्मल सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है इसलिए मैं अब इसको, ये देखें बैटर तैयार हो चुका है, 2 से 3 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। फ्लेम को ऑन करके पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें अपने बड़े फ्राई करेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है ताकि बड़े जो हैं अंदर तक पक जाएं। 1 से 1.5 मिनट हम एक साइड को देंगे और फिर दूसरी साइड को भी हम 1 से 1.5 मिनट देंगे। अब ये देखिए 1.5 मिनट हो चुका है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हम 1 से 1.5 मिनट देंगे। और दूसरी साइड को भी हमने 1 से 1.5 मिनट दिया है और ये देखिए बड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब दोबारा से मैं पहले वाली साइड कर दूंगी, 1 से 1.5 मिनट में दोबारा पहले वाली साइड को दूंगी ताकि अच्छी तरह से अंदर तक जो है बड़े पक जाएं। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं जबरदस्त हमारे बड़े रेडी हो चुके हैं। आप इनको रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा, आप बाजार के दही बड़े खाना भूल जाएंगे, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसी तरह मैं बाकी के बड़े भी फ्राई कर लूंगी। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारे बड़े रेडी हो चुके हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं। अब नॉर्मल मैंने टैप वाटर लिया है, उसके बीच में 1 से 2 मिनट के लिए मैं इनको भिगो दूंगी, ज़्यादा देर हमने नहीं भिगोना वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब दही डालेंगे, साथ ही इसमें मैं चीनी, नमक इन दोनों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कुटी लाल मिर्च, लेमन जूस, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ जीरा, लेमन जूस मैंने थोड़ा सा बचा लिया है वो हम एंड पे डालेंगे, चाट मसाला, इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं इमली की चटनी भी बीच में डाल दूंगी
अब ये देखिए बड़े जो हमने भिगो के रखे थे उनको हम इस तरह उनका पानी स्क्वीज करेंगे, अच्छी तरह से पानी निचोड़ के इस तरह हम पायरेक्स की ट्रे में इनको असेंबल करेंगे। उबले हुए आलू जो हमने क्यूब शेप में काट के रखे हुए हैं वो हम इसमें डालेंगे और साथ ही उबले हुए चने भी डाल देंगे और जो दही हमने तैयार करके रखा हुआ है वो इसके ऊपर डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोबारा से कटे हुए आलू और उबले हुए चने डालेंगे और इस तरह साइड पे हम आइसबर्ग सलाद वो रखते जाएंगे और साथ ही मैंने इसके ऊपर प्याज भी डाल दिए हैं। दोबारा से उबले हुए आलू और चने रखेंगे, टमाटर डालेंगे जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं, हरी मिर्ची ये तेज वाली बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके पास तेज वाली हरी मिर्चे हैं तो आप बेशक उनको मत डालें। और ये गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा जीरा, कुटी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और बाकी जो दही मैंने थोड़ा सा बचाया था वो इसके ऊपर डाल लेंगे। ये बहुत टेस्टी दही बड़े बनते हैं, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। दही डालने के बाद हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो लीजिए जबरदस्त हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं और एंड पे मैं इस पे होममेड सेव डाल दूंगी और लेमन जूस जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। बेसन सेव जो मैंने इसके ऊपर डाली है उनसे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप चाहे तो पापड़ी डाल लें, चाहे तो बेसन सेव डाल लें। और ये देखें दही बड़े ये मुँह में जाते ही घुलेंगे, इतने ये सॉफ्ट हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप बाज़ार के दही बड़े खाना भूल जाएंगे, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको डेरू खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।